नमस्कार। बीए थर्ड ईयर में मुल्तानी भी अपने सिलेबस में करा दें, तो आज मुल्तानी राग के बारे में जानेंगे, इसका शास्त्रीय परिचय। तो राग चंद्र के अनुसार इसका शास्त्रीय परिचय इस प्रकार दिया गया है। तीवर मानी कोमल रिगद आरोहत रिध हानि पास वादी समवादी गुणी गावत मुल्तानी। ये रागचंद्र के सार में इसका शास्त्रीय परिचय। तो मुल्तानी राग तोड़ी थाट से उत्पन्न होता है, तोड़ी थाट से रिलेटेड है। तो इस राग में रेगद तीन स्वर कोमल होता है, मान्य तीव्र होते हैं, अर्थात इसमें तीव्र मध्यम और शुद्ध निषाद यूज होता है। तो प्राचीन काल में इसको मानी तीव्र मध्यम को और शुद्ध निषाद को भी तीव्र निषाद कहा जाता है। तो इसमें मानी तीव्र वादी पंचम समवादि षड्ज पार्श्ववादी समवादि। तो आरोह में रेगद वर्जित होने से इसकी जाति ओड़ो संपूर्ण, क्योंकि इसका आरोह मधुवंती के समान है, सेम वैसे समान है, और अवरोह राग तोड़ी के समान है। तो ये राग तोड़ी का थाट है, मधुवंती भी तोड़ी का थाट, तोड़ी थाट का माना जाता है, लेकिन मुल्तानी स्पष्टतः तोड़ी थाट का राग है। और समय दिन का चौथा प्रहर है, अर्थात काफ़ी थाट के जो राग आने के बाद मुल्तानी राग का वक्त माना जाता है, जिसमें दिन के तीसरे पहर और संध्या काल के बीच का राग है। और ये संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में भी आता है। राग में ऋषभ देवत और गांधार का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया जाता है, क्योंकि इन स्वरों के गलत प्रयोग से श्रोताओं को कभी भी तोड़े का आभास होता है। तो ऋषभ देवत और गांधार का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया जाता है, जैसे तोड़ी में है रे ग रे सा, ये तोड़ी थाट का है, तो इस प्रकार से नहीं जाना है, ने सा ग म ग म प म ध प म ग रे सा। तो इस प्रकार इसमें म ध प, तो ये भी एक तोड़ी का एक विशेष प्रकार है, तो इससे बचना चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट स ग म प नि द प और रेग रेग की संगति में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेग तोड़ी का अंग है। तो इसका ने स ग म प प म ग रे स, ये मुल्तानी का अंग है। और मुल्तानी में मध्यम और गंधार स्वर की संगति व पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार की संगति और बार बार इसको दोहराना पड़ता है, तभी तोड़ी थाट से या तोड़ी राग से अलग होता है। तो ऐसी पुनरावृत्ति भीम प्लस में भी होती है, भीम प्लस काफ़ी थर्ड का राग है। तो इस राग को और तो मुल्तानी को परमेल प्रवेशक राग भी मानते हैं, क्योंकि परमेल प्रवेशक अर्थ है कि एक थर्ड से दूसरे थर्ड में कर जाना है, तो उस थर्ड का शुरुआत में प्रभाव उत्पन्न कर लेना। तो जिस प्रभाव उत्पन्न करने में जो उस राग सपोर्ट करेगा, तो वो परमेल प्रवेशक राग कहलाता है। तो जैसे मुल्तानी के बाद ये भी एक संधि प्रकाश राग से राग माना गया है, लेकिन ये अधिकतर संधि प्रकाश रागों से पहले गाया जाता है। तो इसके बाद जैसे संधि प्रकाश राग है, मारवा है, मारवा थाट के राग हैं और पूर्वी थाट के राग हैं, तो उनमें प्रवेश करने के लिए मुल्तानी
काफ़ी सपोर्ट करता है उसका। कारण क्योंकि अगर मारवा में जाना तो मारवा में भी कोमल ऋषभ शुद्ध गांधार, सॉरी कोमल ऋषभ मध्यम तीव्र और नी शुद्ध है, तो ये भी इसमें मिल जाएंगे। और पूर्वी थाट में जाना है तो रे ग ध कोमल है, और पंचम शुद्ध पंचम है तो ये भी इसमें मिल जाएगा। तो उन थाटों में जाने के लिए, उस थाट का राग गाने के लिए मुल्तानी थाट मुल्तानी राग को गा के अगर उनमें हम प्रवेश करते हैं तो ये काफ़ी सुविधाजनक होता है। तो काफ़ी थाट से आगे संधि प्रकाश रागों में प्रवेश करने के लिए, जैसे काफ़ी थाट का दिन के तृतीय पहर के लगभग काफ़ी थाट का राग गाए बजाया जाता है, जैसे भीम प्लसी पटदीप है। तो उनसे आगे संधि प्रकाश रागों में प्रवेश करने के लिए मुल्तानी राग अत्यंत सुविधाजनक है, क्योंकि काफ़ी थाट में गायने कोमल है और संधि प्रकाश रागों में अधिकतर रे रेधा कोमल मातिवर मिलता है, तो उसमें भी मुल्तानी थाट मुल्तानी राग काफ़ी सपोर्टिव राग माना जाता है। तो इसका चलन इस प्रकार है, पहला आरोह करें सा दूसरा इसमें मधुवंती के हृदय को कोमल कर दें तो मुल्तानी बन जाता है, अवरोह में हृदय को कोमल कर दो तो मुल्तानी बन जाता है। और दूसरा इसको तोड़ी थाट से तोड़ी राग से अलग करने के लिए, जैसे एक तो सबसे स्पष्ट है कि ओड़व संपूर्ण है, अर्थात इसके आरोह में हृदय वर्जित है और तोड़ी में संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है, तो ये भी इसमें मुख्य अंतर हो गया। दूसरा है कि मुल्तानी का मधुवंती के आरोह का चलन मधुवंती के समान है और अवरोह तोड़ी के समान है। मुल्तानी में वादी समवादी के वादी समाधि गुरु में, जैसे मुल्तानी में पंचम वाद्य है षड्ज समाधि है, और तोड़ी में धेवत वाद्य है गंधार समवाद्य है इसका, तो ये भी इसका मुख्य अंतर हो गया। गायन समय के हिसाब से भी मुल्तानी दिन का द्वितीय प्रहर जो 9 से 12 के बीच में गाया बजाया जाता है, और मुल्तानी दिन का तृतीय प्रहर के बाद में संधि प्रकाश से पहले गाया बजाया जाता है, तो वक्त गायन समय के हिसाब से इसमें काफी अंतर आ जाता है। तोड़ी राग में रेगे ध को खुले रूप से कैसे भी गा सकते हैं, क्योंकि वो उसका मेन अंग है तोड़ी का। और इसमें मुल्तान में ऋषभ धेवत गांधार को एक विशेषता से गाते हैं, जिनकी संगति करते वक्त इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। और मुल्तानी में मग पनी तो ये मुल्तानी का मुख्य अंग हो जाता है। तो इस प्रकार से भी कहने का मतलब रेगद तोड़ी थाट का तोड़ी राग का विशेष स्वर है, उनमें कैसे संगति करें और
रेगदे की मुल्तानी संगति करते हो तो विशेष सतर्कता बरती जाती है। और मग पानी, ये इसका मुल्तानी का मुख्य अंग है, जिसको बार बार दोहराने से मुल्तानी राग तोड़ी राग से अलग हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगले में इसकी बंदी सिखाई जाएगी। धन्यवाद।